जय श्री कृष्ण मित्रों, पौष मास के रविवार का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पौष मास में रविवार का व्रत आपको किस प्रकार से रखना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य किस प्रकार से आपको देना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का महीना होता है। इस महीने सूर्य भगवान की उपासना, वह भी विशेष करके रविवार को करने से उपासक का तन मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। और जिन लोगों को विवाह में परेशानी आती है या किसी प्रकार की बाधा होती है तो वह भी दूर हो जाती है। तो पौष मास के रविवार को इस प्रकार से पूजन आपको करना चाहिए। पौष के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी धातु के पात्र में जल भर करके उसमें रोली अक्षत लाल रंग के पुष्पों को डाल करके इस प्रकार से अर्घ्य भगवान को देना चाहिए। जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए और दिन भर व्रत रख करके सायंकाल अग्निहोत्र आदि करके बिना नमक का भोजन आपको लेना चाहिए। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उपासक की बुद्धि सूर्य के समान प्रखर हो जाती है। जिन लोगों को विवाह में बाधाएं आती है उनकी बाधाएं दूर हो जाती है। तो भारतीय उपासना पद्धति बड़ी विराट एवं मनोवैज्ञानिक है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति के साथ साथ हर महीने अलग अलग देवी देवताओं की उपासना से जुड़े हुए होते हैं। वस्तुतः चराचर के प्रकाशक देवता होने के कारण सूर्य देवता को सविता कहते हैं। गायत्री मंत्र इसी सविता की उपासना का मंत्र होता है। तो साक्षात सृष्टिकर्ता विधाता जो न केवल पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक को प्रकाशित करते हैं अपितु चराचर जगत को नियंत्रित भी करते हैं। समस्त देवताओं के मुखिया भगवान भास्कर अपने धाता स्वरूप से संपूर्ण जगत को धारण करने तथा सबको कर्म जगत में प्रेरित करने के लिए वंदनीय है। जगत की समस्त घटनाएं तो सूर्य देव की लीला विलास होती है। तो एक और जहां सूर्य भगवान अपनी कर्म सृष्टि सर्जना की लीला से प्रातः काल में जगत को संजीवनी प्रदान कर प्रफुल्लित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्यकाल में स्वयं ही अपने महेश्वर स्वरूप से तमोगुणी लीला करते हैं। मध्यकाल में आप अपनी ही प्रचंड रश्मियों के द्वारा शिव रूप से संपूर्ण दैनिक कर्म सृष्टि की रजोगुण रूपी कालिमा का शोषण कर लेते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी ही बनाई हुई सृष्टि का आवश्यकता के अनुसार यथासमय अपने में ही विलय करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आदित्य सूर्य देवता मध्यकाल में अपनी ही रश्मियों के द्वारा महेश्वर के रूप में दैनिक सृष्टि के विकारों को शोषित करके जगत को हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। जगत कल्याण के लिए भगवान सूर्य की यह दैनिक विकार शोषण की लीला ही भगवान नीलकंठ के हलाहल पान का प्रतीक होती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय इन सात बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। भगवान सूर्य के अर्घ्य दान की विशेष महत्ता होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त, चंदन आदि से युक्त लाल पुष्प, चावल आदि ताम्रमय यानी तांबे के पात्र में जल भर करके प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए ओम आदित्याय नमः अथवा घृणी सूर्याय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके पुष्पांजलि देना चाहिए। इस अर्घ्य दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र, मित्र, कलत्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान कर देते हैं तथा सूर्य लोक की इससे प्राप्ति होती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है। तो सूर्य उपासकों को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला नियम इस प्रकार से है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही शैया त्याग करके शुद्ध पवित्र स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान के उपरांत सूर्य नारायण भगवान को तीन बार अर्घ्य देकर के प्रणाम करना चाहिए। नित्य संध्या के समय अर्घ्य देकर के सूर्य भगवान को प्रणाम अवश्य करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धापूर्वक आपको करना चाहिए और आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे सूर्य भगवान की विशेष कृपा मिलती है। जिन लोगों को मान प्रतिष्ठा या राजनीति में सफलता चाहिए उनको आदित्य हृदय
स्त्रोत्र का पाठ पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। रविवार के दिन तेल नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक समय ही भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, आयु आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।